हम नहीं करता है। नहीं करता है? नहीं करता। क्यों? क्यों सपोर्ट नहीं करता है हम? क्यों सपोर्ट क्यों नहीं करते? किसे सपोर्ट करेगा? हेलो एंड वेलकम टू अरुणाचल मिरर विद द ऑनगोइंग बन कॉल ऑफ 36 आवर्स बाय आन्या अलेजिंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ऑन वेरियस करप्शन चार्जेस अरुणाचल मिरर ब्रिंग्स यू द वॉक्स पॉप ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट ऑन द बन कॉल एंड द इंटरनेट सस्पेंशन लेट अस हैव अ लुक। मैम आज जैसे कि आज लास्ट डे है 36 जो बंद कॉल था आन्या के तरफ से, तो आप क्या लगता है ऐसे पब्लिक आप ये बंद कॉल को सपोर्ट करता है क्या और आपका ओपिनियन दीजिए। ओ मैडम ये है हम लोग ना ये पब्लिक तो उपाय नहीं है ना, अभी भी हम बीमार हो के पप्पू नोला से टीम स्टॉक पैदल मार के काल और आज ना जा रहे पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ लग रहा है ना, और ये हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा है। और निशी अन्या है बोलते हैं अन्या दो ग्रुप है उसको हम लोग समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अन्या तो एक ग्रुप होना चाहिए था ना, उसको हम लोग खराब भी बोलने नहीं सकेगा और अच्छा भी बोलने नहीं सकेगा, लेकिन ग्रुप जो है अन्या एक होना चाहिए ना, उसको हम लोग अन्या मतलब निशी कहे तो, इसलिए हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। दो तीन ग्रुप नहीं होने से ठीक है, एक ग्रुप बोन कॉल सोलो करेगा बोलने से भी एक ग्रुप होके करना चाहिए ना। हम लोग पब्लिक पूरा बिजनेस मैन लोग और ये पेट पाल के जीने वाला लोग दो दिन में कैसे करके उन लोग लेबर लोग ना हम लोग ये कैसे करके करेगा ना, उसको थोड़ा उन लोग भी समझने से ठीक है ना। हाजिरा आगे जाके बन कॉल अगर कोई भी अगर यूनियन या फिर कोई भी एसोसिएशन अगर बन कॉल करते हैं तो उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं क्या? बन कॉल नहीं नहीं वो भी जेन्युइन को देख के सपोर्ट करना पड़ेगा ना। और कोई कोई लोग आज ऐसे होता है ग्रुप ग्रुप बना के पैसा निकाल के ना अपना ये में बैंक में भर्ती होने का बाद चुपचाप हो जाता है ना, उसको हम लोग समझ में नहीं आता है। बाई चांस हम लोग PRC इशू ना PRC इशू लोग को तो हम लोग मानते हैं ना, ऐसे ग्रुप माने हम लोग का देश को क्यों ऐसे करेगा बोल के हम लोग एक साथ मिल के किया था, उसको तो हम लोग बहुत तारीफ करता है ना। अपना PRC इशू पहले हुआ था उसको तो हम लोग बहुत सपोर्ट किया है पब्लिक लोग भी ना, अभी का ये लोग को तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। दो अन्या है किसको सपोर्ट करेगा किसको नहीं करेगा ना, इसलिए लेकिन अभी जो मतलब जो अन्या जो है जो 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 ब्यावंग जो हमका जो लीडरशिप में वाला अन्या जो वो जो है जो सीएम को एलिगेशन डाल के उसका रेजिग्नेशन करवाने के लिए जो बंद कॉल रखा गया, तो आप ये एलिगेशन के बारे में क्या बोलना चाहेगा? एलिगेशन को तो उन लोग अपना अपना ये भी होता होगा ना, लेकिन हम लोग का तरफ से तो पब्लिक लोग ना ऊपर जाने नहीं सकता है ना, नीचे में ही हम लोग रहने वाला आदमी है ना, उन लोग बीच में मालूम होता होगा, लेकिन वो करेगा बोलने से भी माने जेन्युइन से करने से ठीक है ना। जेन्युइन नहीं होने वाला को ऐसे झूठ मूठ बोन कर नहीं करने से ठीक है, हम लोग पब्लिक बहुत तकलीफ होता है। अभी भी हम देखिए मेडिकल स्लिप को भी आप लोग को हम दिखाएगा ना, देख लीजिए हम लोग पूरा पैदल मारा है ना, देख लीजिए फिजियोथेरेपी के लिए हम नाहरलगुन जाना पड़ता है ना, ऐसे देखिए पैदल देखिए कल भी ऐसे जा रहा है आज भी ऐसे जा रहा है ना, इसलिए बहुत तकलीफ है। और पुलिस लोग भी कदम में पूछता है, ये को हम देखा के जाना पड़ता है ना, लेकिन उन लोग SI लोग ये लोग पुलिस ऑफिसर लोग तो मानता है ना, ये को देखने का बात ना मेडिकल तो जाना पड़ेगा बोलता है। और ये में निभा में होने से तो पैदल ये है सामने है ना, हम तो जुलंग रोड में बैठता है इसलिए बहुत तकलीफ होता है। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। हाँ मेरा नाम क्योदा तलिंग है और हम ये दुमो कॉलेज में BA थर्ड सेमेस्टर में ये बार हो गया ना, थर्ड सेमेस्टर पढ़ लिया और ये पोर्ट में स्टूडेंट ही ना, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ द पब्लिक ऑफ दिस द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट आप क्या सोचते हैं ये इज इट लाइक ये बंद कॉल को लेकर आपका क्या राय है? ये बन कॉल तो ये अभी तो हम लोग तो इंटरनेट में देखने मिल रहा है कि ये CM का साथ ये एलिगेशन लगा के रखा है ना, ये पाम ये कुछ बहुत है बोला है, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, लेकिन उसका इंटरनेट उधर अपलोड का ये अपलोड करके रखा है ना, वो चीज़ को देखने से तो सही है लगता है। CM ओके तो ऐसा ये नहीं करना, इतना ये नहीं करना, करप्शन नहीं करना है ना, वही लगता है। अभी तो इंटरनेट में सब लोग अपलोड किया है ना, वो सही है कि इसको तो पता नहीं है ना, लेकिन उसका हिसाब से वो सही है तो वो तो CM गलत है मेरे हिसाब से। तो आप सपोर्ट करते हैं ये बंद कॉल? वो अगर सही है तो हम ये अन्या को सपोर्ट है। अच्छा अगर वैसे अन्या का इशू को लेके छोड़ के वैसे जो एसोसिएशंस स्टूडेंट लीडर्स लोग जो ये बंद कॉल करते हैं उसको आप सपोर्ट करते हैं क्या?
उसको भी जूनियर होने से सपोर्ट करेगा, अगर जूनियर नहीं होने से सपोर्ट नहीं करेगा। क्लासेस वैसे लॉस हो रहे हैं क्या स्कूल जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका स्टडी कैसा हो रहा है? अभी तो कॉलेज बंद है, सब बंद है ना। अभी तो स्टार्टिंग होने वाला है, ये 20 ऐसा से स्टार्ट होने वाला है। अभी एडमिशन भी होने वाला है ना, एडमिशन होकर 20 ऐसा से क्लास शुरू हो जाएगा शायद। अच्छा। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, मेरा नाम अमन सुब्बा है और हम ये उधर में जिस सेक्टर में रहते हैं अभी ये दोस्त का इधर में बैठ रहा है। अभी बंद कॉल के कारण से इधर में बैठ रहा है, मतलब खुलने के बाद जाएगा हल्के, तो इधर में ऐसा बैठ रहा है अभी। तो आपको क्या लगता है ये बंद कॉल को लेके, ये आन्या का जो इशू है वो जेन्युइन है कि नहीं है? बंद कॉल को लेके तो अभी सपोर्ट तो मतलब नहीं है, मतलब इशू तो मतलब ऐसा है कि मतलब हम लोग तो इतना सपोर्ट नहीं है, मतलब इसलिए सपोर्ट नहीं होगा, घर में बैठ रहे, मतलब निकलता भी नहीं। क्लासेस का वैसे सिलेबस अभी फरवरी में एग्जाम है तो आप लोग का सिलेबस पीछे छूट गया, पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी? पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मतलब पहले अभी मतलब बंद कर दिया ना कोरोना कारण से, 31 इंटरनेट भी बंद है, ऑनलाइन क्लासेस भी तो होता था। हाँ, ऑनलाइन चल रहे, अभी इंटरनेट बंद कर दिया इसलिए ऑनलाइन तो मतलब आज से होगा बोल के था, नेट तो बंद कर दिया है। तो गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है इंटरनेट बंद करने का, उसको आप लोग क्या सोचते हैं? ये इंटरनेट तो मतलब बंद करने तो वो तो ठीक नहीं है, मतलब हम लोग के लिए, मतलब हम लोग तो घर में बैठे हैं ना, मतलब हम लोग को मतलब लो कारण से मतलब प्रॉब्लम, मतलब घर में ऐसा बैठना पड़ रहा है, कुछ करने के लिए भी नहीं, एक नेट ही है और तो ऐसे ही तो बैठना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा अभी मतलब ऐसे बाहर निकला हुआ है नीचे घर का बाहर। बंद कॉल अब मेरे हिसाब से अपने पर्सनली मेरा अपना व्यू से तो नहीं होना चाहिए, इससे प्रॉब्लम काफ़ी है, इंटरनेट बंद है, अब मेरा ड्यूटी जाने आने में भी तकलीफ हो रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, बाइक गाड़ी निकालने में डर लग रहा है, ऊपर से सिक्योरिटी चेक इतना ज़्यादा है, ये मेडिकल का आदमी हम लोग ड्यूटी जाना पड़ता है तो यही, और क्या, ऊपर से इंटरनेट बंद है, बच्चा हॉस्टल में, कल से छुट्टी था हमें खबर ही नहीं मिला, स्कूल में फ़ोन किया है तो बोलते हैं मैसेज डाला था, इंटरनेट बंद है हमें मैसेज मिला ही नहीं, ऐसे यही सब प्रॉब्लम्स है और क्या। हम नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता, क्यों क्यों सपोर्ट नहीं करता है? क्यों सपोर्ट क्यों नहीं करते? किसे सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करते हैं? ओ मालूम नहीं, वो तो हम लोग बोलने नहीं सकते हैं, आम आदमी हम लोग क्या, हम लोग क्या बोलेगा। नहीं, आप लोगों को लगता है कि जो आन्या जो जो हमारा नहीं नहीं उसका जानकारी हम लोग कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है हम लोग, मालूम नहीं क्या बंद कॉल क्यों हो रहा है, सब भी कुछ भी मालूम नहीं, नहीं मालूम नहीं है क्यों हो रहा है, वो भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर तो बंद हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इंटरनेट बंद का वजन चल रहा है, इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग ना, बच्चा का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा ऑनलाइन आज टेस्ट होना था, ये सेंट्रल स्कूल का टेस्ट होना था, आज बंद कर दिया और बच्चा लोग का इंफॉर्मेशन भी बंद कर दिया। तो इंटरनेट जो सस्पेंशन जो हुआ है इसको तो अच्छा नहीं लगा है, इसको अच्छा नहीं लगा है, बंद कॉल को आप सपोर्ट किया, इसके ये क्या कारण से हम लोग भी अच्छा से मालूम नहीं है, हम बोल नहीं सकते। नहीं, लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन जो ये ऐसे होते रहते हैं जो बंद कॉल का जो पूरा शॉप को बंद कर देना, गाड़ी नहीं हिलने का, ये बंद कॉल को आप सपोर्ट करते हैं? ये जो जो करते आ रहे हैं जो जो भी हमारा जो यहाँ का जो यूनियन लीडर्स लोग होते हैं, जो एसोसिएशन लोग होते हैं, ये बंद कॉल जो ये जो जो कल्चर जो चलता है इसको आप सपोर्ट करते हैं? इसको हम मेरा तरफ से तो कुछ अगेंस्ट भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, ये लोग क्या क्या कारण से चलता है, हम लोग आम आदमी लोग पछताए, ये गाड़ी चलने के लिए प्रॉब्लम है, आज बिजनेस भी बंद हो रहा है और आज हम लोग ये करना था वो भी कैंसिल हो रहा है। आप कहाँ से आ रहा था? हम वो ये मेडिकल से आया, मेडिकल से आया। तो आप लोग को तकलीफ, अभी हम पप्पू नाला जाना है, पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहा है, तकलीफ तो मिल रहा है गाड़ी नहीं होने का कारण से। अभी मैं ये आने लोग कौन सा क्या वजह से मतलब बंद कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका डिटेल भी मुझे मालूम नहीं है, ऊपर से मैं यहाँ का भी नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या बोल, तकलीफ तो हो रहा है हम लोग को, लेकिन ऐसे कुछ अभी अचानक से उस दिन आया था तो नेक्स्ट दिन से वही बंद कॉल चल रहा है, तो अभी हम लोग को यहाँ से डिपार्चर भी कल कर दिया था, तो मतलब ऐसे गाड़ी घोड़ा चलने नहीं देगा बोल के जैसे आज तक बैठ रहा है, और बस रुक रहे कि आज जब ये खोल जाएगा तो शाम को निकाल जाएगा बोल के, उतना ही। थैंक यू। अन्य लोगों का तो कहना था कि मेडिकल जो है वो लोगों को सपोर्ट करेगा, वो लोगों को जाने देगा, आप लोग क्या ऐसे जाने के लिए ट्राई किया क्या? वही जाने के लिए ऊपर से मतलब तो गाड़ी को भी मतलब एक्चुअली गाड़ी अगर यहाँ मेडिकल पे लेके आठा बोलने से हम जा सकता था, तो गाड़ी भी अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे लेके आने हैं,
तो घर में रख के आया था, तो फिर अभी उसको लेने जाएगा, फिर लेके आएगा, फिर तकलीफ होगा क्या बोल के इसके लिए हम छोड़ दिया था। अच्छा, आप तो वैसे भी अरुणाचल के सिटीजन है, तो जी आपको क्या लगता है कि ये जो अरुणाचल में हमेशा बंद कॉल होते रहता है उसको आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? सपोर्ट तो करना चाहिए, मतलब जो अन्य लोग भी जो करते आए हैं तो मतलब पहले से इतने थोड़ा जानकारी है कि मतलब ये चीज़ जो कर रहे हैं मतलब सबका भलाई के लिए कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन जैसे हम लोग आज है मतलब उसके लिए जस्ट थोड़ा सा तकलीफ होता है, और बाकी तो जो कर रहे ठीक है। अच्छा। तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ जरूर। जो ये इंटरनेट सस्पेंशन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जी उसका आपको क्या कुछ कहना है? उसके लिए सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को? हाँ जी हुआ है। उसके लिए तो मैं क्या बोलूँगा कि हम लोग को जैसे तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है नेट जो मतलब जो जिसके लिए अगर ऐसे बैठ के भी जो स्टूडेंट या ये सब के लिए तकलीफ हो सकता है, लेकिन तो हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। तो बाकी जो स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास ये सब जो चलते आ रहे हैं मतलब उसके लिए तो तकलीफ है, लेकिन ये चीज़ तो करना नहीं चाहिए। तो नेट इंटरनेट को तो मतलब हमेशा दिल खोल के रखना चाहिए। ओके। अभी अभी वो मेडिकल जाके आया ना, ये इमरजेंसी अभी वो ये भी पूरा पैदल चल के आया, गाड़ी अभी जाने नहीं दे रहा है उनके, ये अभी अभी इमरजेंसी में एडमिट किया था, अभी निकल के आया इसको। तो आपको कहाँ तक अभी पैदल जाना है? अभी यहाँ से मालूम नहीं, दूर है। दूर है, होता होगा तकलीफ तो हो, ये क्या सामान ऐसा लेने में, ये घर का या अभी ये सब्जी वब्जी लेने का वो भी प्रॉब्लम है ना। हम लोग घर से आ रहे हैं, अभी हॉस्पिटल जाना है हम लोग को, ये पेशेंट है, एडमिट है हम लोग का यहाँ पे हॉस्पिटल पे ना। तो ये बनकोल को लेके आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? ये देखो वो जो कर रहे हैं शायद वो लोग जो अपना के लिए जो अच्छा है उसके लिए कर रहा होगा, लेकिन हम लोग को पब्लिक को बहुत हैरेसमेंट मिल रहा है, क्योंकि अभी का समय में हम लोग को मेन चाहिए, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम लोग को केस का बहुत ज़रूरी है ना। तो इंटरनेट नहीं होने का वजह से भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हम लोग कहीं से भी केस निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ में अभी हॉस्पिटल में आना जाना करने के लिए भी इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना दूर हम लोग को पैदल आना जाना करना पड़ रहा है ना, बहुत जगह से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप डिस्टेंस बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? मैं तो वहाँ ए सेक्टर से आ रही हूँ, अभी पैदल वॉकिंग करके आ रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ट्रिम्स हॉस्पिटल आ रही हूँ, यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड है। अरुणाचल में जो हमेशा बंद कॉल को लेकर होता है, एक प्रोटेस्ट होता है, आपको क्या कहना है इस पे? बनकोल को तो अभी देखो जो जी जी क्या के लिए वो लोग कर रहे हैं बनकोल, वो अपना अपने लिए सोच के कर रहा होगा, पर बनकोल हमेशा के लिए ये बंद कर देने से थी कि हम लोग के लिए ना पब्लिक को बहुत हैरेसमेंट मिलता है इससे, ये उन लोग के लिए कोई किसी के लिए के अच्छा लगता अच्छा के लिए कर रहा होगा, पर हमारे लिए बहुत तकलीफ है ना, कि पब्लिक ऐसे नॉर्मल आदमी के लिए बहुत तकलीफ है, आना जाना में भी इतना प्रॉब्लम होता है, और कुछ कुछ चीज़ अभी देखो ज़्यादा पूरा शॉप लुक बंद है ना, कुछ कुछ इवेंट छोटा सा एसेंशियल सामान के लिए भी हम लोग को इतना हर जगह गली गली जाके ढूंढना पड़ रहा है वो सामान लोग को ना, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए आज हम लोग का वो कीमो है, मेरा एल्डर सिस्टर मतलब ब्रदर को मतलब पेशेंट है वो जो कीमो मतलब कैंसर का, तो उसका रिपोर्ट है 14 को ब्लड टेस्ट है, और एंड आफ्टर 15 को उसका कीमो है, तो ब्लड टेस्ट के लिए आज हम लोग आया है, लेकिन पूरा बंद है, कुछ भी स्टाफ नहीं है, कीमो का मतलब वो जो इंस्टीट्यूट है ट्रिम्स का पूरा बंद है, कुछ भी हम लोगों को नोटिफिकेशन भी दिया नहीं है कि बंद होगा तो एक्स्ट्रा के तो बंद होगा, ऐसे नहीं है, तो हम लोग पैदल चल के आए, घर भी दूर है वहाँ से पैदल चल के हॉस्पिटल तक आया है, लेकिन बंद है, तो अल्टरनेट हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं था, तो प्राइवेट में हम लोग ब्लड टेस्ट करवाना पड़े, तो चार्जेस तो ज़्यादा है, तो वही था कि स्ट्राइक तो चलते रहेगा लेकिन बंद नहीं होना चाहिए ना, वही है।